नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार सिंह। फिश फार्मिंग के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त हूं बांग्लादेश में और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि RAS का जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एकमात्र सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों जगह मिला के तकरीबन इंडिया में 4 और बांग्लादेश में 2, उसमें से जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ और ये प्रोजेक्ट आपको दिखाऊंगा। मैं बाहर से आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं, ये भवन जो देख रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल एरिया में है और यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा। और इसी इंडस्ट्रियल एरिया में ये इस घर के अंदर वो प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ के लिए ये प्रोजेक्ट कैनेडियन है क्योंकि कनाडा से इसको यहाँ इम्पोर्ट किया गया है। और इसके अंदर आपको लेके चले हैं, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अंदर चूंकि मशीनरी चल रही है इसलिए एम्बियंस में मशीनरी की आवाज़ होगी, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि ये मेरे बस में भी नहीं है कि उस आवाज़ को बंद किया जाए। और अगर ये आवाज़ बंद होगा तो ये सेटअप पूरा बंद करना पड़ेगा, इसलिए जो इसके संचालक हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की है। इसलिए आपसे आग्रह यही है कि ऑडियो में अगर थोड़ा एम्बियंस हो तो माफ़ करिएगा उसके लिए। ये पूरा ये मेन दरवाज़ा है और अंदर में दो बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग है और एक दूसरी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के अंदर 4 टैंक है और दूसरी बिल्डिंग के अंदर भी 4 टैंक है। इधर रहने के लिए जो लेबर का क्वार्टर होता है वो है और ये आगे का स्पेस है पार्किंग वगैरह के लिए। यहाँ पे ये जो सेटअप है, दो स्टाफ इसके जो मालिक हैं उन्होंने यहाँ रखा है। एक स्टाफ 12 घंटे काम करता है, दूसरा स्टाफ 12 घंटे काम करता है। मतलब ये कि RAS के लिए जो मैन पावर है वो बेहद कम है। ये आप प्रैक्टिकली यहाँ इस सेटअप पे देखकर समझ सकते हैं। एक बंदा है जो 12 घंटे तक इस पूरे सेटअप का देखरेख करता है, देखभाल करता है और सक्सेसफुली पिछले 2 साल से ऐसा कर रहा है। मतलब और लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आपको अंदर लेके हम दिखाते हैं, ये पूरा सेटअप है। उसमें थोड़ी कम अगर हो तो, क्योंकि लाइट इसमें जलाना मना है, लाइट बंद करके रखा गया है। मछलियाँ स्ट्रेस में नहीं आए, अभी जिस ब्रीड की मछली है उसके लिए इन्होंने लाइट बंद करके रखा हुआ है। ये बंदा है जो यहाँ पे काम करता है और 12 घंटे यही है जो इस RAS सेटअप को चलाता है। 12 घंटे बाद दूसरे लोग आते हैं यहाँ चलाने के लिए। ये पूरा अंदर का जो बनावट है वो आप देख पा रहे होंगे, ये टैंक है 1, 2, 3, 4 इस सेट के अंदर, यही 4 टैंक है। और ये पावर हाउस आप इसको कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर देने के लिए लगाया गया है, जो पूरे इस सेटअप का एक हिस्सा है। यहाँ से पूरा इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये प्लग एंड प्ले फिल्टर है। प्लग एंड प्ले फिल्टर का मतलब ये होता है कि इसी के अंदर बायो फिल्टर है, इसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसगैसर है, इसी के अंदर आप कह सकते हैं कि प्रोटीन स्कीमर है और इसी के अंदर ऑक्सीजन जनरेटर है। मतलब ये एक सेटअप है जिसके अंदर ये सब कुछ है। और इसको जो मैं समझता हूँ या RAS की भाषा में जो बताया जाता है कि ये प्लग एंड प्ले है। मतलब 3-4 कंपोनेंट इसी के अंदर है और इस पूरे प्रोजेक्ट का आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये जान है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये एक फैन है इस फिल्टर में, ये फैन बाहर से एयर ले रहा है और ऑक्सीजन पानी में डाल रहा है। ये इधर है, ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे ऊपर अगर आप देखें तो आपको सेट के ऊपर कुछ पानी का छोटा छोटा भीगा हुआ दाग दिखेगा। दरअसल ये जो दाग है ये कार्बन डाइऑक्साइड डिसगैस हो रहा है ऊपर से, तो वो पानी का कुछ छीटा ऊपर जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो है ये इनलेट पाइप है, इनलेट पाइप है जो इसमें बायो फिल्टर में गया हुआ है। और यहाँ से ये प्लग एंड प्ले में बायो फिल्टर, प्रोटीन स्कीमर, कार्बन डाइऑक्साइड डिसगैसर, वहाँ से ये निकल के इस पाइप के जरिए पानी
फिल्टर होके फिर टैंक में आ रहा है। टैंक में जो इनलेट है ये ऊपर आप साफ देख सकते हैं कि पानी यहाँ से टैंक में डाला जा रहा है। आउटलेट जो है वो सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम से है, मतलब इस टैंक से पानी बाहर निकलने के लिए कोई पावर का इस्तेमाल नहीं होता, वो ऑटोमेटिक वाटर के प्रेशर से जो गंदगी है उसके साथ चला जाता है। और वो मैं आपको इस साइड से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे इधर लाइट थोड़ी कम है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ कि ये नीचे वाली जो पाइप है उसके जरिए ये सारा वाटर आता है और उधर से निकल जाता है। इसमें ड्रम फिल्टर है, ड्रम फिल्टर अलग से है इस प्लग एंड प्ले सिस्टम के अलावा, मतलब प्लग एंड प्ले जो फिल्टर है इसके अलावा ये ड्रम फिल्टर है। इस तरफ ड्रम फिल्टर में क्या होता है ये मैंने पहले के वीडियो में भी आपको बताया है, अभी फिर से बताता हूँ कि इस ड्रम फिल्टर में जो 40 माइक्रोन्स तक का कचरा है उसको यहाँ साफ कर लिया जाता है और यहाँ के बाद ये वाटर इन करता है बायो फिल्टर में। यहाँ पे इस तरफ से भी अगर आप देखेंगे तो चारों ही टैंक में जो पानी है वो लगातार गिर रहा है और लगातार नीचे से वाटर निकल के आ रहा है। आप में से कई लोग होंगे जो पानी के कंजप्शन के बारे में इस सिस्टम में जानते होंगे कि 5-7-8% तक वाटर सिस्टम से बाहर निकलता है। ये सिस्टम से बाहर क्यों निकलता है, ये इसलिए निकलता है क्योंकि जो सीवेज होता है ना, जो गंदगी टैंक के अंदर है पानी में, इधर वो खाना खाने के चलते या मछलियों के पार्टी के चलते, उसको बाहर करने के दौरान जो पानी बाहर निकलता है ना, बस वही वाटर लॉस है इस पूरे सेटअप में। माफ कीजिएगा, अभी फिलहाल ये चार टैंक आप ये सेटअप इधर देख रहे हैं। दूसरा है कि इस रूम में भी चार टैंक है, ये थोड़ा अंधेरा है, लाइट कम है इस रूम में, लेकिन आप अगर देख पा रहे होंगे और दौड़ के 2 मिनट में हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि इस रूम में भी आपको थोड़ा सा रोशनी करके दिखा सकूँ कि इधर जैसा आप देख रहे होंगे इधर भी वैसा ही सेटअप है। चार टैंक 10-10 हज़ार लीटर का, ये जो टैंक है ये 10 हज़ार लीटर का है, तो चार टैंक इस कमरे में है और चार टैंक जो है इस कमरे में है। ये जो टैंक बना हुआ है ये अपने यहाँ इसको जो लोहा का करकट होता है, करकट का ये बना हुआ है और ये बाहर का है, मतलब ये पूरी सेट के साथ बाहर से ही आया है। ये मेम्ब्रेन्स है जो काफ़ी मजबूत है, अगर आप इसको छू के देख पाते तो आप समझ पाते कि ये मेम्ब्रेन्स कितना ज़्यादा मजबूत है। इस टैंक का जो लाइफ है या इस मेम्ब्रेन्स का जो लाइफ है, जो कंपनी जिस कंपनी ने इसको लगाया है उस कंपनी का दावा है कि 50 साल तक इसको कुछ नहीं होना। और वैसे भी मेम्ब्रेन्स की जो क्वालिटी है वो देख के तो ऐसा ही लगता है कि इसमें ख़राब होने के लिए कुछ और है नहीं। तो ये पूरा सेटअप है और इस सेटअप में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ढेर सारी मशीनरी नहीं है या बहुत कुछ ताम झाम नहीं है, बड़ा सिंपल है। एक बंदा है जो 12 घंटे चलाता है, दूसरा बंदा है जो 12 घंटे चलाता है, और जो जिस बंदे को मैंने आपको दिखाया है ये बंदा इसको ट्रेंड इस तरह से किया गया है कि अगर मछलियों को कोई परेशानी होती है तो वो उस हिसाब से टेक केयर कर लेता है, क्योंकि इसके जो मालिक हैं वो बाहर काफ़ी ट्रेवल करते हैं, तो वो अगर नहीं भी हो फोन पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बच्चा संभालता है। यहाँ अंदर में दिखाने के लिए इस प्रोजेक्ट में यही चीज़ है, इतना ही चीज़ है जो आप देख पाएंगे। ज़्यादा और इस पर जानकारी के लिए जो इस प्रोजेक्ट के मालिक हैं उनसे मैं दूसरे वीडियो में डिटेल में बात करता हूँ कि अगर ये वीडियो जो ये जो प्रोजेक्ट वो चला रहे हैं वो प्रोजेक्ट कैसे रन हो रहा है, और सक्सेसफुली RS रन करवाने के लिए एक आदमी जो सोच रहा है RS लगाने को वो कैसे काम करेगा या कैसे प्लान करेगा ताकि RS अच्छे से चल सके। इस सेटअप का कॉस्टिंग क्या है, चूँकि ये सेटअप पहला सेटअप है बांग्लादेश और इंडिया में,
मतलब दोनों देश मिला के ये पहला सेटअप है। तो शुरुआत में सेटअप का मेरे ख्याल से मैं जो समझता हूँ कि प्राइस थोड़ा ज़्यादा हुआ होगा, अभी प्राइस कम होना चाहिए, या फिर ये टैंक बैंक जो है ये थोड़ा सा और उन्नत किस्म का मतलब लेटेस्ट डिजाइन का आ चुका है, तो वो थोड़ा सा चेंजेस होगा अभी जो नए लोग लगाना चाहिए।